नमस्कार न्यूज 18 ओडिया को स्वागत करुछि मु अभिन्न आशुतोष। बुलेटिन आरंभ करबा वर्तमान समय सबुठारु बड़ खबरु। आउ किछि समय मध्यरे गुजरात रो पोरबंदर ओ महुबा उपकूल मध्यरे स्थलभाग छुइबो अरब सागर रे सृष्टि होइतिबा सामुद्रिक झड़ बात्या ताउते। वर्तमान लैंडफॉल रो प्रक्रिया आरंभ होइ सारिछि। स्थलभाग छुइबा पूर्वरु आरंभ होइ जाइछि प्रबल झड़ वर्षा। वर्तमान घंटा प्रति 155 रु 165 किलोमीटर बेगरे पवन बहुतबा बेले व्यापक क्षयक्षति हेबार लागिछि। पवनर घंटा प्रति बेग 185 किलोमीटर पर्यंत रहिबार आशंका रहिछि। मुंबई रे प्रबल क्षयक्षति घटाइछि अरब सागर रे सृष्टि होइतिबा अति भीषण भयंकर सामुद्रिक झड़ बात्या। मुंबई रे घंटा प्रति 114 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबा सह अनेक स्थान रे प्रबल वर्षा होइछि। वर्षा पवन रे मुंबई रे 6 जणंकर मृत्यु होइछि, 9 जण आहत होइछन्ति, 4टि गृहपालित पशुंकर जीवन जाइछि। ताउते प्रभाव रे केरल रे मध्य प्रबल वर्षा और पवन जोगु व्यापक क्षयक्षति होइछि। कर्णाटक 121 गाँ प्रभावित हो 8 जन प्राण हर। ताउते प्रभाव रक्षा करने को गुजरात में लक्षे लोक सुरक्षित स्थान को नियाजाई। एनडीआरएफ एसडीआरएफ तटरक्षी बाहन सह सेना मुतयन होविड हस्पिटाल विद्युत शक्ति निरंतर रखा द्वैत बैकअप व्यवस्था कर। ताउतेर प्रभाव वर्तमान समय आरंभ हो सारी। आपड़ देखुं समुद्र में केते बड़ जुआर उठू। किसी समय पूर्वर चित्र आज संध्या समय वर्तमान लैंडफॉल प्रक्रिया जितेबाला आगक बढ़ुची यार भितर बात्या एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म भाव में स्थलभाग छुँची जार एक्सक्लूसिव फुटेज आपड़ न्यूज 18 ओडिया ही केवल देखिपुंट। आम सहित वरिष्ठ पाणीपाग विशेषज्ञ प्रोफेसर सुरेन्द्रनाथ पशुपालक फोनलाइन जोड़ी होती। सार आपको न्यूज 18 ओडिया को स्वागत करुच्ची। वर्तमान समय रे कौन सर अपडेट सामना को आसुची? वर्तमान लैंडफॉल रो जो प्रक्रिया जारी रही प्राय 2 घंटा लगे बोली कहा जाउची, कौन सब घटी पारे? द्वितीय झटका नहीं कौन अपडेट रहिबो सर? देखो ये जहाँ की 2 घंटा आउ 2 घंटा लगी पारे स्टार्ट हला ता 8:45 रो स्टार्ट हे छि प्राय से तो 3 घंटा लगिबो। आ 3 घंटा भीतर जलो स्विच से जे एक्सट्रीमली साइक्लोन था जदि बात आगर रो समुद्र थिला आ से बेग थिला प्राय 200 किलोमीटर पाके छि अधिक जदि एपर्त आसनी से 190 कहते 85-90 कहते तो 200 किलोमीटर प्लस विन 10 भितर आउ कोड़े अधिक तेनालीराम रही बर्तमान आउ 3 घंटा से 3 घंटा भितर से कमी थी कमी कि भेरी शीघ्र साइक्लोन पहुंची थी से मतलब थी प्राय 165-170 थी कि 12टा जिते कम्प्लीटली से भितर को आसी आईटा स्वभाग भितर पशि आसी सेतेबेले तार बेग कमिज द्रुतपत्र कमिज कमिले सकाल सुधा आम सकाल 5:30 सुधा तार बेग प्राय 120 किलोमीटर रहिबो। देखो बर्तमान गुजरात से गुजरात बहुत क्रस कर राजकोट क्रस कर अहमदाबाद दूर रही क्रस कर तेनाली आम कह कि भावनगर कह सोमनाथ कह अमरेली कह सब कह एपटे आम कह इवन आम कह सूरत कह सब जिते अंचल कह इवन आनंद पर्यंत समस्त इफेक्ट हो जाए पवन नुहे पवन सहित भारी वर्षा अति प्रबल वर्षा आइसोलेटेड एक्सट्रीमली सीवियर रेनफॉल माने 250 मिलीमीटर अधिक हुए तो मोर देन 200 मिलीमीटर सांसन हो पारे जुआर आप कह जुआर निश्चित भाव से अंचल कह तार पश्चिम अंचल कह अर्थात आखिर पश्चिम अंचल आम जूनागढ़ अंचल कह से आम जुआर सर्च कह हुए तो 12-15 फुट हो पारे ईस्टर्न साइड जोटा कि पवन बेसी आर्षा बेसी से आम जुआर कह आम 1.5-2 मीटर अर्थात 6-7 फुट रन आनंद ये जुआरटा आनंद पर्यटन रोज आनंद रहा 6-7 फुट रही। सामग्रिक भाव में वर्तमान लैंडफॉल प्रक्रिया तो आरंभ मात्र होई आहुरी 3 घंटा अपेक्षा करने को पड़ो किंतु वर्षार प्रभाव केते दिन पर्यंत रही पारे? क्लाउड सिचुएशन वर्तमान समय रे गुजरात कथा कहा जाऊ महाराष्ट्र कथा कहा जाऊ राजस्थान कथा कहा जाऊ सब अंचल रे कौन आकलन कर महाराष्ट्र बर्तमान वर्षा पुणी जारी रही देखो जिते साइक्लोन रही तार परिधि रहिबो 150 किलोमीटर रहिबो जोटा कि पवन बेग प्राय 100 किलोमीटर रहिबो एंड भारी वर्षा रहिबो तेनाली जेहेतु यार अधिक घनीभूत होती दक्षिण पूर्व उत्तर पूर्व
ବମ୍ବେଟା ଆମର ଆସିବ ତାର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବରେ ରହିବ ତେଣୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ କମ୍ ସେ କମ୍ ଉତ୍ତର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ କହିବା ମୁମ୍ବାଇ କହିବା ସେତେ ବର୍ଷାଟା ଆଜି ରହି ଆଜି ଲାଗି ରହିବ କାଲିକି କମିଯିବ କାଲି ହୁଏତ ମିଡିୟମ ରେନ୍ଫଲ ହେବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଏପଟେ ଆରମ୍ଭରୁ କହିବା ଯେ ଗ୍ରୀଷ୍ ସୁନାଥ କହିବା ଆନ୍ଦ୍ରୋଲି କହିବା ଭାବନଗର କହିବା ରାଜକୋଟ କହିବା କିମ୍ବା ଆନନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀନଗର କହିବା ଏଗୁଡ଼ାକ ବର୍ଷା ଭାରି ବର୍ଷା ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ହେବ ରେନ୍ଫଲ ରହିବ ଏଣ୍ଡ ସେଟା କେତେ ରହିବ ନା ଆଜି ରହିବ କାଲି ରହିବ କାଲି କାଲି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ବର୍ଷା କମିଯିବ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଆଗେ ଆଗେ ଯିବ ଯେଉଁ ରାଜସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବ ରାଜସ୍ଥାନ ଆଡ଼କୁ ସେ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଥିବ ବର୍ଷା ରହିବ ଇଭେନ୍ ମଧ୍ୟ ତାର ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ପଡ଼ିବ ଯଦି ବା ସେଇଠି ରେନ୍ଫଲ କମି ବହୁତ କମିଯିବ ଡିପ୍ରେସନ୍ କମିଯାଇଥିବ ପବନ ବେଗ ରହିବ 40 କିଲୋମିଟର ରହିବ ତାଠୁ କମିଯାଇଥିବ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହବ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର କ୍ୱାଲିଟି ନେଇକି ଏପଟେ ଆସିବ ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ରାଜସ୍ଥାନର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ରାଜସ୍ଥାନ କହିବା ବାତ୍ୟାର ସିଧା ଝଟକା ଏସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ପଡୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଫେସର ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଶୁପାଳକ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ସୂଚନା ପାଇଁ ସେପଟେ ତାଉତେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ପୂର୍ବରୁ କେରଳ ଗୋଆ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ଘଟାଇଛି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ରାଜଧାନୀ ମୁମ୍ବାଇ ଉବୁଟୁବୁ ହୋଇଛି ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ରାଜଧାନୀ ମୁମ୍ବାଇ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ କରୋନା ମୁକାବିଲାରୁ ଟିକିଏ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି କି ନାହିଁ ତାଉତେ ଛାରଖାର କରିଦେଲାଣି ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ତାଉତେ ପ୍ରଭାବରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ହୋଇଛି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଜଳମଗ୍ନ ଜୀବନଯାତ୍ରା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଉଚ୍ଚର ପାଣି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ଗଛ ଓ ବିଜୁଳି ଖୁଣ୍ଟ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଜୋରସୋରରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ସଫା କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି NDRF ଟିମ୍ ସେହିପରି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକମାନେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯାଉଛି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ମୁମ୍ବାଇରେ ଜାରି ହୋଇଛି ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଏୟାରପୋର୍ଟ ହେଉ କି ମନୋରେଲ ସବୁ ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ୍ରା ୱର୍ଲି ସି ଲିଙ୍କକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ଜୀବନ ଯାଇଛି ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ଓ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ସେହିପରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ନେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ତାଉତେ ପ୍ରଭାବରେ କେରଳରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିଛି ବର୍ଷା ତାଉତେ କେରଳ ଉପକୂଳରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ ବି ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି ଲଗାତାର 3 ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଛି ବର୍ଷା ଫଳରେ ବହୁ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବା ସହ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଝଡ଼ ତୋଫାନରେ କେରଳରେ 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଲାଣି ସେହିପରି ଗୋଆର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ରବିବାର ସକାଳୁ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି ବହୁ ବିଜୁଳି ଖୁଣ୍ଟ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଚାଲିଛି ମରାମତି କାମ ତାଉତେର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ପୂର୍ବରୁ ଏ ହେଉଛି ମୁମ୍ବାଇ ଓ କେରଳର ସ୍ଥିତି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ News18 ଓଡ଼ିଆ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ହାଇଡ୍ରାମା ନାରଦ ଷ୍ଟିଂ ଅପରେସନକୁ ନେଇ ସିବିଆଇ ଆକ୍ସନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ବେଳେ ଟିଏମ୍ସି କରିଛି ହେଲା ବୋଲ୍ ନିଜେ ସେଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଆସିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିବିଆଇର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଓ ପଦକ୍ଷେପକୁ ନେଇ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ସହ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସେପଟେ ସିବିଆଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଛି ବେଲ୍ ହେଲେ କୋଲକାତା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବ ସିବିଆଇ ହଠାତ୍ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ନାରଦ ଷ୍ଟିଂ ଅପରେସନରେ ସିବିଆଇର ତତ୍ପରତା ଓ ଷ୍ଟିଂରେ ପ୍ରତୀୟମାନ ଥିବା ଅନ୍ୟ ପୂର୍ବତନ ଟିଏମ୍ସି ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଜେପି ନେତାଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ନିରପେକ୍ଷତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ କୋଲକାତା ନିଜାମ ପ୍ୟାଲେସ୍ ସ୍ଥିତ ସିବିଆଇ ଅଫିସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ପୁଣି ଅଫିସ ଆଗରେ ଟିଏମ୍ସି ସମର୍ଥକଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଗହଳି ନାରାବାଜି ଧାରଣା ନୂଆ ସରକାର ଗଠନକୁ 15 ଦିନ ପୂରିନି ରାଜଧାନୀ କୋଲକାତାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏମିତି ହାଇ ଡ୍ରାମା ନାରଦ ଷ୍ଟିଂ ଅପରେସନ ମାମଲାରେ ସିବିଆଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରର ମନ୍ତ୍ରୀ ଫିରହଦ ହକିମ ସୁବ୍ରତ ମୁଖାର୍ଜୀ ବିଧାୟକ ମଦନ ମିତ୍ରା ଏବଂ ପୂର୍ବତନ କୋଲକାତା ମେୟର ଶୋଭନ ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ଏମିତି ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଡ୍ରାମା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା
निजे सीबीआई ऑफिस भीतर पशि गिरफ्त कर चैलेंज देते मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सका सका सीबीआई अधिकारी केंद्रीय फोर्स धरी एम घर पहुंची किसी समय पचराउचरा पर गाड़ी में बसाई निजाम पैलेस स्थित राज्य कार्यालय को नेवा गिरफ्त करते ममता को कहिबा कथा सीबीआई रो कार्यकारिता एवं कार्यशैली बेआईन बाचस्पति बिना अनुमति से गिरफ्त कर तेणु जदि सीबीआई उपयुक्त आईन कानून अनुसरण नक मंत्री और विधायक को गिरफ्त करी तेबे गिरफ्त करू बोली से चैलेंज देते राज्यपाल अनुमोदन पर पश्चिमबंग बाचस्पति विमान बानर्जी एम गिरफ्तारी को अनुमति देवा कथा किंतु सीबीआई केवल राज्यपाल जगदीप धनखर का अनुमोदन आधार रे एमानकु गिरफ्त करिछि। सीबीआई हैज टुडे अरेस्टेड फोर देन मिनिस्टर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल इन ए केस रिलेटेड टू नारदा स्टिंग ऑपरेशन। सीबीआई हैड रजिस्टर्ड द इंस्टेंट केस ऑन 16 अप्रैल 2017 ऑन द ऑर्डर्स ऑफ ऑनरेबल कोलकाता हाई कोर्ट। आउ केंद्रीय तदंत संस्थार एभली एक्शन विरोध में टीएमसी शिविर में स्वर तीव्र होता बेले राज्य में विपर्यस्त आईन श्रृंखलार कथा उठाई राज्यपाल जगदीप धनखर। 2014 में दिल्ली स्थित नारद न्यूज संस्थार प्रतिष्ठाता तथा सांबादिक सामुएल मैथ्यू स्टिंग ऑपरेशन करते जो टीएमसी सेतेबेळर सात जन सांसद चारि जन मंत्री जड़े विधायक और राज्यर जड़े वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सामिल थे एमाने सेतेबेळे 4-5 लाख टंका लांच नहीं देखा मिलता जार प्राथमिक तदंत सीबीआई करने को 2017 मार्च 17 में निर्देश देते कलिकता हाइकोर्ट आउ निर्देश पाइबा पर सीबीआई एफआईआर रुजु कर 13 जन विरोध में अभियोग फटो दाखल कर अन्यतम टीएमसी नेता सौगत रॉय राकुल घोष दासीदर प्रसून बानर्जी और अपरूपा पोदार विरोध में आक्शन देवा सीबीआई अनुमति मांगी किंतु स्टिंग ऑपरेशन बेले सांसद थिबा ए नेता मानक गिरफ्तारी नहीं लोकसभा बाचस्पति देना अनुमति। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज एट कोरिया। इज्राएल और हमास मध्यरे घमाघोट लड़े जो मध्यप्राच्य अशांत हो पड़ी उभय पक्षर रकेट आक्रमण में व्यापक क्षयति होता बेले शताधिक लोकों जीवन गला। इज्राएल सेनार आक्रमण में हमास मुख्य पेंठस्थल गाजा स्ट्रीप विशेष भाव क्षतिग्रस्त होपरपक्ष पालेस्टाइन चरमपंथी संगठन हमास पक्षर भी रकेटमाड़ जारी रही। सप्ताह अधिक दिन धरी चली संघर्ष में शताधिक साधारण लोकों जीवन जाइए। मध्यप्राच्य युद्ध परिस्थित को विश्व स्तर में निंदा करा बेले इज्राएल और पालेस्टाइन मध्य शांति प्रतिष्ठा पर जातिसंघ सुरक्षा परिषद पक्ष उद्यम आरंभ हो। इज्राएल और पालेस्टाइन मध्य संघर्ष को नहीं पुणि थरे अशांत होइछि मध्यप्राच्य। इज्राएल और पालेस्टाइन चरमपंथी संगठन हमास मध्यरे गत सप्ताहे धरी घमाघोट लड़ई जारी रही बेले उभय पक्षर व्यापक क्षयति घटी। लगातार अष्टम दिन पर हमास पेंठस्थल गाजा स्ट्रीप उपरे आकाश मार्गरु आक्रमण जारी रखी इज्राएली सेना। गत दिनक मध्यरे इज्राएल अतर्कित आक्रमण में पाखापाखी 50 जन पालेस्टाइनियों मृत्यु होइछि। इज्राएल आक्रमण में वर्तमान सुधा 200 पालेस्टाइनियों जीवन गला जो मानक मध्यरे 58 शिशु और किसी महिला अच्छा 1300 अधिक आहत होती अनेक सुच्च अट्टालिका माटी रे मिसि सारला। The ongoing military escalation has caused great suffering and destruction. It has claimed scores of civilian lives, including tragically many children. गत शनिवार गाजार 2टी सुच्च अट्टालिका को रॉकेट माड़ करी माटी रे मिसाई देथिला इजरायली सेना। जेउठी अंतर्जातीय गणमाध्यम संस्था अल जजीरा एवं आसोसिएटेड प्रेस रो कार्यालय धूलिसात हो जाइछि। हमास मुख्य एया अल सिनवारी को टारगेट करी
ଏହି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ଇସ୍ରାଏଲ। ଇସ୍ରାଏଲର ଆକ୍ରମଣକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇ ହମାସ ପକ୍ଷରୁ 2800ରୁ ଅଧିକ ରକେଟ୍ ମାଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଦୁଇ ଶିଶୁଙ୍କ ସମେତ 15ରୁ ଅଧିକ ଇସ୍ରାଏଲୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଦୁଇ ପକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ପାଇଁ ହମାସ ସଂଗଠନକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁ। ତାଙ୍କ କହିବା କଥା, ହମାସ ଗୋଷ୍ଠୀ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ରକେଟ୍ ମାଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ଆଉ ଏହାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଦୁଇ ପକ୍ଷ ଯୁଦ୍ଧଖୋର ମନୋବୃତ୍ତିରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇଜିପ୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। Have a humanitarian update from our humanitarian colleagues who report from Gaza that given limited fuel reserves in the Gaza Strip, there are now daily rolling electrical power cuts 8 to 12 hours a day. Another 230,000 people from Gaza City and Khan Yunis have limited access to piped water due to increasing power cuts and damage to the network. ମାଲେସିଆ, ବ୍ରୁନେଇ ଏବଂ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ପୃଥକ ଭାବେ ଇସ୍ରାଏଲର ଆକ୍ରମଣକୁ ନିନ୍ଦା କରି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଜାତିସଂଘର ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଦାବି କରିବା ସହ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଜାରି ସଂଘର୍ଷକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଜାତିସଂଘ ମହାସଚିବ ଆଣ୍ଟୋନିଓ ଗୁଟେରସ୍। ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ ତୁରନ୍ତ ବୈଠକ ଡାକି ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷର ଅବସାନ ଘଟାଇବାକୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। କରୋନା ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ଏକ ସଫଳତା, ବଜାରକୁ ଆସିଛି ଡିଆର୍ଡିଓ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ କୋଭିଡ୍ ଡ୍ରଗ୍ 2DG। ଡ୍ରଗ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହାର ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଔଷଧକୁ ଲୋକାର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି। 2DG ମଡରେଟ୍ରୁ ସିଭିୟର କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ସେପଟେ ବିଦେଶୀ ଟିକା ରୁଷର ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଭିର 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଡୋଜ୍ ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଟିକାକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରିବ। ନୂଆ କୋଭିଡ୍ ଔଷଧ ଓ ଟିକା ପ୍ରୟୋଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଏକ ଭଲ ଖବର ହେଲା, ଦେଶରେ ଖସୁଛି କରୋନା ଗ୍ରାଫ୍। ଏପ୍ରିଲ 21 ପରେ ପାଖାପାଖି 27 ଦିନ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 3 ଲକ୍ଷ ତଳକୁ ଖସିଛି ଦୈନିକ ପଜିଟିଭ୍ ସଂଖ୍ୟା, ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରକୁ ଦେଶ ମୁକାବିଲା କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ମହାମାରୀର ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ଏକ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ବଜାରକୁ ଆସିଛି କରୋନାର ଆଉ ଏକ ସଫଳ ଔଷଧ 2DG। ଦୀର୍ଘ 1 ବର୍ଷର ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ପରେ ଏହି ଆଣ୍ଟି କୋଭିଡ୍ ଡ୍ରଗ୍ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଡିଆର୍ଡିଓର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ 2DG ଔଷଧକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ। ऑक्सीजन की डिपेंडेंसी में भी 40% की कमी आएगी, ये बहुत बड़ी बात है। देखो, कोई हमारी छोटी उपलब्धि नहीं। और मुझे यह भी बताया गया है कि ORS सोल्यूशन की तरह है, ये पाउडर है, उसको घोल कर भी इसको पिया जा सकता है, यानी तो खाने में भी कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं। ये जिस प्रकार का इसके इनिशियल रिजल्ट हमको ट्रायल्स में दिखाई दिए हैं, ये आने वाले समय के अंदर खाली भारत के लिए नहीं अपितु पूरे संसार के लिए कोविड के खिलाफ जंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। 2DG औषधर व्यवहार पर ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI पूर्वर अनुमति दे सारी छंती। 2DG क्लिनिकल ट्रायल परे गत 8 तारीख रे स्वास्थ्य मंत्रालय स्पष्ट करितिला जे हॉस्पिटल ले चिकित्साधीन मध्यम और गुरुतर कोरोना रोगी को ए औषध जरूरीकालीन परिस्थिति रे दिया जाई परिबो। 2DG मेडिसिन सेवन परे कोविड लक्षण ह्रास पाउथिया बेले रोगी को ऑक्सीजन आवश्यकता मध्य बहु मात्रा रे कमी जाउची। वी आर आल्सो इन कंटिन्यूस टच विद डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज टू प्रोड्यूस मोर एंड ट्राई टू गिव दिस मेडिसिन टू ऑल एंड नॉट ओनली इन द क्लिनिकल ट्रायल्स एंड व्हाटएवर द सैंपल्स एंड मटेरियल वी हैड वी बीन गिविंग इट टू वेरियस हॉस्पिटल्स इन द लास्ट 10-15 डेज on doctor's prescription and in general we are getting very good news that it is improving the patients faster. sepate gata saptah re bharat re launch hoithiba prathama bideshi covid tika rus ra sputnik v ra 2 lakh 10 hazar dose upalabdha achi।
प्रथम पर्यायर 60,000 डोज एवं द्वितीय पर्यायर 1,50,000 डोज पहुंचा पर सोमवार आरंभ हो टीकाकरण कार्य वर्तमान स्पुटनिक वि डोज प्रतिमूल्य 995 टंका धार्य करा भारत को आसुवा स्पुटनिक वि परिमाण जथेष्ट होइनथिबा बेले परवर्ती समय भारत में टीका उत्पादन कराजियो बोली डॉक्टर रेड्डी कंपनी पक्षर सूचना मिली चलित वर्ष शेष सुधा स्पुटनिक वि 15 कोटी डोज भारत में उपलब्ध होबो बोली नीति आयोग सदस्य डॉक्टर वीके पॉल आशा व्यक्त करिछन्ति एथिसह से कहिछन्ति जे सप्ताहे मध्य रे ई वैक्सीन बाजार में उपलब्ध होबा परे विभिन्न राज्य में देखादेइथिबा नियंटिया परिस्थिति दूर होबो केवल सेतिकि नुहे आसंता अगस्ट मासरु डिसेंबर मध्य रे देश रे 10 रु अधिक टीका उपलब्ध होबार संभावना रहिछि गत 24 घंटे दैनिक पॉजिटिव मामला 281,386 रही जहाँकि एक आश्वस्ति कोविड मृत्यु संख्या किंतु 4,000 रु खसुनी गत 24 घंटे 4,106 जन जीवन नहीं किलर वायरस सेपटे केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय रिपोर्ट अनुसार देश में आक्टिव केस ह्रास पाई वर्तमान देश में आक्टिव केस 35,16,997 रही गाँव में कोरोना रोकिबाकु मास्टर प्लान में 24 रु 3 मास पर्यंत घर को घर बुली कोरोना लक्षण और जटिल रोगर सर्वे करेंगे आशाकर्मी प्रति गाँव में थिबा गाँ कल्याण समिति कोविड नियंत्रण कार्यक्रम में सामिल होते कोरोना मुकाबला नहीं बसिथिबा सर्वदलीय बैठक में बड़ निष्पत्ति होईछि सर्वे में नियोजित कर्मी को दिजिव प्रोत्साहन राशि गाँ कल्याण समिति को 10,000 टंका सहायता दिजिव गृह संगरोध दायित्व में आशाकर्मी को एककालीन 10,000 टंका मिल एथिसह साइकिल चप्पल छत्ता कपबोर्ड इत्यादि मिल सहायता राशि से हीपरि पुणि थे सरपंच हाथ को फेरी जिलापा क्षमता गाँव में लॉकडाउन और टीएमसी संपर्क में सरपंच मैंने परिस्थिति को देखी निष्पत्ति नहीं पारे कोविड में मृतकों विधवा पत्नी और पितामाता हर पिला मधुबाबू पेंशन योजन सामिल पिला मगणा शिक्षा मिल ऑक्सीजन जोगाण सुपरिचा गठन हो टास्क फोर्स प्रस्तुत हो मास्टर प्लान सेपटे विधायक मैंने ग्रामांचल में 50 लाख टंका खर्च करपत्ति सेपटे विरोधी विधायक भी सरकार को किसी प्रस्ताव दे महामारी बा यही प्रकार परिस्थिति केबे विश्व देखा दे नथिला बा भारत वर्षरे से भली परिस्थिति नथिला वर्तमान समय होउछि समय रा आह्वान हला एकु एकाठी मुकाबला करिया तो मुख्यमंत्री का आज जो ये निश्चित भाव ऐक्यबद्ध हो ये कोरोनार मुकाबला करिबा एवं जो तृतीय लहर आसवार संभावना देखा देछि ताकु किभली भाव सफल मुकाबला करने आज से आह्वान देखते पदक्षेप विषय कहते जो कोविड परिचालना क्षेत्र में ग्राम पंचायत गाँ कल्याण समिति की संपुक्त करवा भितर गाँ कल्याण समिति को जो आर्थिक सहायता जो 10,000 टंका दिजा आशाकर्मी को प्रोत्साहन दिजा जेहेतु से सम्मुख भाव रही कम कर निश्चित भाव स्वागत पदक एक समन्वित आभिमुख्यर ये परिचय क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटी मूल स्तर पर्यंत हवापाई आम दाबी करछु एवं ता सहित जो भेंटिलेटर बेड आईसीयू बेड एवं सिलिंडर बेड एकु डेवलप करिया पाई पर्याप्त परिमाण रे ओडिशा सरकार व्यवस्था करिया उचित जो माने गरीब लोक अछति लॉकडाउन शटडाउन सब होउछि से माने काम पाउ नांति ओते तांको मासुकु 6,000 टका करि दिया जाउ सरकार जदि ओडिशा सरकार रो पैसा नहीं ताले कम से कम 2,000 टंका मसकु तांगु दिया जाउ एवं विधानसभा बैठक तुरंत रखा जाउ काहे कि आज बहुत विधायक तांकर मत दवा पे चाहिथिले किंतु से सुजो